नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि हम लोगों का अभी जो रिटेलर्स का जो मर्चेंट्स कैशन जो होता है उसमें उस प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि हम लोग रिटेलर्स का कैशन करते थे, कैशन करने के बाद मर्चेंट एक्टिवेट होता था, उसके बाद हम लोगों को डिवाइस एक्टिवेशन करना पड़ता था और डिवाइस एक्टिवेशन करने के बाद फिर हमारा मर्चेंट्स काम करना चालू करते थे और जो एक्सटर्नल डिवाइस चार्जेस जो हैं उनके ₹826 जो कटते थे वो बाद में कटते थे। अब इस सारी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था हम लोगों का और अक्सर ऐसा देखा गया था कि एक्टिवेशन प्रोसेस में कभी कभी चार दिन पाँच दिन लग जाते थे और बाद में जब पैसे कस्टमर के अकाउंट से कटते थे तो हमारे जो मर्चेंट्स थे वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनको बिना बताए उनके पैसे काटे गए हैं, जबकि यद्यपि अगर मान लीजिए हमारे मर्चेंट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी भी हुई रहती थी तो भी मर्चेंट्स अच्छा नहीं फील करते थे। और कई बार ऐसा देखा गया था कि जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो प्रॉपरली मर्चेंट्स को बताते नहीं थे और उसके बाद पैसे कटने के बाद वो उनको काफ़ी ऑकवर्ड लगता था कि भाई अकाउंट से हमारे पैसे कट गए। इस कारण कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि अब जब हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उसी वक्त हमको जो कैशिंग का अमाउंट है ₹800 और प्लस जो हमारा डिवाइस रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ₹826 वो दोनों अमाउंट हम लोग को उसी तरह से उसी वक्त हमको जमा करना होगा। तो अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी हम लोग का नया जो पैटर्न आया है, यहाँ पे हम लोग रिटेलर टॉपअप्स पे जाएंगे और जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज़ को नोटिस करें, हम लोग इसमें नंबर कौन सा डालना है, इसमें हम लोग कस्टमर नंबर ही डालेंगे। आप लोग डालेंगे 92431 92431। एक चीज़ फिर से मैं 92431, आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लें, 92431 92431। आप लोग कस्टमर का मोबाइल नंबर अभी यहाँ पे मेंटर नहीं करना है, ठीक है? आपको आप इस चीज़ को ध्यान से सारे लोग समझ लें, हम लोग नंबर डालेंगे 92431 92431 और इस पर सबसे पहला हम लोग अमाउंट डालेंगे ₹800, नो पे फी कलेक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग इसको एंटर करके सबमिट कर देंगे अपना। ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। फिर इसमें जाएंगे, फिर हम लोग सेकेंड टाइम वो करेंगे 92431 फिर 92431, ठीक है? ध्यान से ये कर लेंगे, यहाँ पे कस्टम मर्चेंट का मोबाइल नंबर एंटर नहीं होगा, हम लोग को 92431 92431 ही डालना है। मैं ये कोई सैंपल मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ, आप सारों को यही नंबर डालना है। ध्यान से इस चीज़ को आप लोग बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग को कस्टमर मोबाइल नंबर नहीं डालना है, हमें ये नंबर हर एक केस में ये आप डालेंगे। अब जैसे यहाँ पे नो पे फी कलेक्शन, इसको भी हम लोगों ने सबमिट कर दिया। अब ये दोनों अमाउंट हमारा सेटल हो गया, दोनों अमाउंट को हम लोग ने सबमिट कर दिया। अब हम लोग जाएंगे अपने लीडर ऐप में। अब लीडर ऐप में जाने के बाद हम लोग रिटेल पोर्टल खोलेंगे। अब रिटेल पोर्टल खोलने में देखेंगे हमारे पास ये तीनों नए ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में जाएंगे, एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में जाके हम लोग कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। अब जैसे आप दिखा रहे हैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे रेमिटेंस और ये हमारा आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए हमारा ये आ रहा है, तो पहला हम लोग इसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा दिखा रहा है, दूसरे उसको दोनों को चूज़ कर लेंगे, ठीक है? जैसा आप लोग देख सकते हैं ये जो भी हमने डाला था यहाँ पे दोनों ये कर लिया। अब हम लोग इस डाटा को सबमिट कर देंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं ये आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली है ना, ट्रांजेक्शन फॉर रेमिटेंस एंड फॉर AEPS एक्टिवेशन, ठीक है? अब ये हमारा कस्टमर जो है ये हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से इसको इसमें एक बार चेक कर लेंगे जाके। सुरेश कुमार, अब यहाँ पे रिमिटेंस अप्रूवल इज पेंडिंग दिखा रहा है हम लोगों का। इसी तरह से हम लोग अब एक और क्लाइंट का करके देखते हैं।
फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोगों का जो प्रोसेस चेंज हो चुका है, जिसमें कि हम लोग कैश इन का पैसा और एक्सटर्नल डिवाइस चार्जेस हम लोग दोनों एक साथ ही ये करते हैं। यहाँ पर रिटेल टॉपअप में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग कोई मर्चेंट का नाम नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर डालना है 92431 92431। ध्यान से ये आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान से देखें, 92431 92431। सबसे पहले हम लोगों ने 800 रुपये डाला, नेक्स्ट किया, नो पे फी कलेक्शन दिखाएगा, इसको सबमिट कर देंगे, अपना आप लोग अपना एम पिन डालेंगे, सबमिट कर देंगे, फिर हम लोग जाएंगे 92431 92431 92431 92431, फिर 826 इसमें भी डालेंगे। ध्यान से रहे, ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिए आप लोग, दोनों बार आप लोग 92431 92431 डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। आपने सबमिट कर दिया, नो पे फी कलेक्शन सबमिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया पहला। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग जाएंगे लीडर ऐप में, लीडर ऐप में जाएंगे, लीडर ऐप में हम लोगों को एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में जाना है। एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में जाके यहाँ पे आप लोग अब अपने मर्चेंट का मोबाइल नंबर जो डालना चाहते हैं उसका आप एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने एंटर कर दिया, रामजन्म पासवान आपका दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो सेगमेंट है, एक रिमिटेंस रिटेलर है, अब इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, दो हमारे पास आईडीज दिखा रही है, दोनों को हम लोगों ने आईडी को ये कर दिया और इसको फिर डाटा सबमिट कर देंगे। अब ये कस्टमर का आपका एक्टिवेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इससे क्या है ना कि आप लोगों को बिल्कुल थॉरली हो, अब इससे हम लोगों का एक्टिवेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर ऑनबोर्ड होता है आप लोग इमिडिएटली इसमें ये डिवाइस एक्टिवेशन और ये दोनों प्रक्रिया हमारी साथ में पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे जाके हम लोग अभी एक कस्टमर का भी और देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मिस्टर हाँ ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया हो गई है और काफ़ी सिंप्लीफाइड है, मुझे तो काम करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। बहुत सिंपल है, आपको अपना नो पे जो डिस्ट्रीब्यूटर मर्चेंट वैलेट अमाउंट है उसको वैलेट ऐप है उसको खोलेंगे, वहाँ पे जाके रिटेलर टॉपअप पे जाएंगे, जहाँ से रिटेलर को हम लोग लोड देते हैं, तो यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे 92431 92431, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद हम लोगों ने क्या डाला, पहले 800 रुपया जो हम लोग कैश इन करते हैं वो डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे इसको। ये सबमिट हो गया, फिर डालेंगे, काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है ये, कन्वीनियंट भी है। अब यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ रिटेलर मोबाइल नंबर नहीं डालना है, हम लोग को डालना है 92431 92431। ध्यानपूर्वक रहें, कोई भी लोग इस चीज़ को मिस ना करें, ठीक है, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। हम लोग मर्चेंट का मोबाइल नंबर डालना है, मर्चेंट का मोबाइल नंबर नहीं डालना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे आप लोग। 304 आपने एम पिन डाल दिया, अब ये हो गया। अब ये पेमेंट डालने के बाद आपको खोलना है यहाँ पे मर्चेंट ऐप, और यहाँ पे जाएंगे आप रिटेलर पोर्टल पे, रिटेलर पोर्टल जाने के बाद एक्टिवेशन रिक्वेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे शंभू, यहाँ पे आप जाके दोनों को चूज़ करेंगे। अब जो अनक्लेम्ड हमारा रेफरेंस नंबर है वो दोनों को आप चूज़ कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों को चूज़ कर लिया, जो अनक्लेम्ड अभी जो मैंने ये डाला उसका रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं जाके मैंने डाटा सबमिट कर दिया, अब ये मेरा डिटेल्स अब यहाँ पे दिखा रहा है, शंभू पंजियार, नो पेंडिंग पेमेंट्स। अब जैसा आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, आप लोग इस पर जाके एक बार डिवाइस मैपिंग में आप लोग देख सकते हैं
अब ये हमारे जो भी मैंने ये किया हमारा तीनों का तीनों मेरा दिखा रहा है यहाँ पे व्यू डिटेल्स, ये दिखा सकता है हमारा, दिखाएगा कि इसका स्टेटस क्या है, रेमिटेंस प्रॉब्लम। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अब इससे आप लोगों को सारी जानकारी सही तरह से मिल जाएगी। काफ़ी एक्सटेंसिव मैंने ये कोशिश किया है जिससे कि आप लोगों को आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। एक और हम लोग अभी करके दिखाएं देखेंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया कि अभी हम लोगों को सबसे पहले हमारे पास दो, एक डिस्ट्रीब्यूटर वैलेट है, एक हमारा लीडर ऐप है। तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर वैलेट में जहाँ खोलना होगा वहाँ पे हम लोग जो रिटेलर टॉप अप करेंगे उसको खोलेंगे। और बार बार मैं इस चीज़ों को ये बता रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जो हो गई है काफ़ी सिंपल है, मुझे तो काफ़ी ये सिंपल लग रहा है, बहुत आसानी से इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 92431 यहाँ पे हमको कस्टमर मोबाइल नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे हम लोग को डालना है 92431 92431, ध्यान से देख लें आप लोग 92431 92431। उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग जो कैशिंग करते हैं वो अमाउंट एंटर करेंगे 800 रुपया, हम लोगों ने एंटर किया, फिर इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट हो गया। उसके बाद आपको अपना एम पिन डालना है, और उसके बाद फिर हम लोग का जो एक्सटर्नल डिवाइस चार्जेस है, एक्सटर्नल डिवाइस चार्जेस हम लोग का 826 रुपया, जो पहले बाद में हम लोग मर्चेंट्स अकाउंट से कटता था, अब मर्चेंट्स को ये अमाउंट पहले ही डाल देना है एक साथ जब आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। 92431 92431, अब किसी तरह की ये जब बाद में पैसे कटते थे तो मर्चेंट्स को अच्छा नहीं लगता था और मर्चेंट्स को अनईजी महसूस होता था, इससे अच्छा आप जब शुरू में इनको बता के ये पैसे ले रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 826 रुपया प्लस आपका 800 रुपया, दोनों चीज़ आपने साथ में डाला। 92431 92431 में ये नंबर पैसे जमा करने हैं, ये पैसे आपके मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया। अब जब ये पैसे आप यहाँ पे रिटेलर वैलेट से जाके पैसे जमा कर लेते हैं तब आपको फिर लीडर ऐप खोलना है। उसके बाद फिर आपने लीडर ऐप खोला और लीडर ऐप खोलने के बाद आपको रिटेलर पोर्टल पे जाना है। अब रिटेलर पोर्टल पे जाने के बाद आपको एक्टिवेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जाने के बाद आप लोग ये जो कस्टमर का यहाँ पर आपको मर्चेंट मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर डालने के बाद आप व्यू डिटेल्स में देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है सुभाष कुमार राजभर यहाँ पे, और ये दोनों फिर हमारे पास यहाँ पे अनक्लेम्ड ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है हमारे पास। अब दोनों डाटा को हम लोग सबमिट कर देंगे, ध्यान से देख लें आप लोग सब लोग, जैसे हम लोग इसको सबमिट करते हैं ये भी हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने कितने रिक्वेस्ट, पहले क्या था पता भी नहीं चलता था कि हमारे कस्टमर्स का क्या स्टेटस है। अब आप देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, कल आप जाके अब देखिए आपको, अब जो भी आपने कस्टमर्स को डाला हुआ है, मैंने जैसे मेरे अब यहाँ पे अब मेरे ये सारे के सारे क्लाइंट जो भी हैं वो दिखाएंगे जो भी मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ है। अभी मैंने सुरेश कुमार राजरमन पासवान शंभू पंजियार और सुभाष कुमार राजभर सबका जो ये मैपिंग किया है, ये सारा चीज़ डिटेल्स दिखा रहा है। अब जब भी मैं इसको ये डाल के आपको वी डिटेल्स करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ये इसका स्टेटस दिखाएगा। ये काफ़ी इफेक्टिव हो गया, अब इसमें हमारा ऑनबोर्डिंग टाइम भी काफ़ी कम लगेगा। अब केवल हम लोग इसमें हम लोग जैसे ही ये करते हैं अब ये आसानी से हमारा काम तुरंत, जैसे ही हमारा पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद ये क्लाइंट हमारे एक्टिव हो पे, यहाँ पे जाके आप आसानी से सारे जो भी आप ये कर रहे हैं, आप कस्टमर्स का रिक्वेस्ट दे रहे हैं, वो सारा कस्टमर्स आपका कंसोलिडेट दिखा रहा है। ये बहुत ही अच्छा फीचर अभी ऐड किया है नोपे ने, और ये हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफ़ी आसान हो गया अब कि वो आसानी से जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मैपिंग करते हैं उनका क्या स्टेटस है वो आप जाके आसानी से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, काफ़ी अच्छा है ये, सारे लोग मैं
जैसा मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि अब सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वो अपना कैश इन करेंगे। धन्यवाद।